सुनो दोस्तों आज से एक नई चेस सीरीज शुरू करने वाले दोस्तों जिसमें हम आपको बिगनर से लेकर एडवांस तक के सारी ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे और चलिए चलिए फटाफट से शुरू करता हूं और आज मैं आपको पहली वीडियो में पूरा सब बेसिक सर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि चेस क्या होता है चेस बोर्ड क्या, क्या होता है पीसेस क्या होता है कौन सा पीस कहाँ रखता है क्या पोजीशन होती है और किस तरह से प्ले करते हैं तो चलिए सबसे पहले तो आप चेस बोर्ड को देख लीजिए ये एक तरह से चोकोर शेप का यहाँ पर एट बाय एट का एक पूरा हमारा क्यूब शेप का स्क्वायर शेप का पूरा चेस बोर्ड होता है यहाँ पर आपको व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक पूरे के पूरे खाने या फिर बोले तो ब्लॉक्स दिखते हैं सबसे पहला ब्लॉक जो होता है वो होता है ए वन तो यहाँ पर आपको देखेंगे ऐसे वर्टिकल मतलब वर्टिकल बोलते कॉलम्स दिखेंगे और रो सा रो शेप में आपको या फिर कहूं हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस दिखेगी या रो दिखेगी ठीक है तो जो कॉलम होगा उसको हम अल्फाबेटिक के नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम ए से रिप्रेजेंट होगा ये पूरा कॉलम बी से ये सी से ये डी से ये ई एफ उस तरह एच तक और इस तरह अगर मैं रो की बात करूं तो ये वन टू थ्री इस तरह से होता जाएगा तो अगर मैं यहां पर कहूँ आपको कि ये कौन सा स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का नाम क्या है सबसे पहले तो आपको इस वाले कॉलम को देखिए कौन से कॉलम में आ रहा है ये वाला स्क्वायर जो आ रहा है वो ई कॉलम में आ रहा है एन ये रो जो है 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 थर्ड तो ये स्क्वायर हुआ ठीक तरह अगर मैं रैंडम कोई सा एक ये वाला ये कौन सा है? तो आपको एक बात बता दू कि जब भी हम जमाते हैं तो राइट साइड में व्हाइट होना चाहिए और लेफ्ट साइड में ब्लैक होना चाहिए तो एवन पे एवन से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैं लूंगा रुक और मैं पीसेस जमाना सिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रुक रुक इसको हम हाथी भी बोलते हैं किलाबंदी के काम में आता है तो बोथ साइड जो है मैं वाइट के रुख रख दूंगा ये देखिए रुक का कुछ शेप इस तरह से होता है ठीक है एक किले के लिए काम होता है बोथ साइड रखूंगा ए पर एच पर तो ठीक है उसके जस्ट अपोजिट दोनों तरफ रखूंगा मैं नाइट ठीक है यहाँ पे मैंने नाइट रख दिया बोले तो घोड़ा ठीक है एंड देन उनके बाद रखूंगा मैं अपना विशुप या फिर कहें ऊंट ठीक है oot, तो जो ऊंट होते हैं वो ब्लैक का अलग होता है व्हाइट का अलग होता है वैसे तो सारे यहाँ पे अगर फोर्थ रो में देखेंगे तो ब्लैक व्हाइट अलग है फोर्थ रो में देखेंगे तो ब्लैक व्हाइट है ये ब्लैक पर है ये व्हाइट पर है ये व्हाइट पर है ब्लैक पर ये ब्लैक पर है व्हाइट पर, ये पर, ये पर इस तरह ठीक है एंड देन किंग एंड क्वीन तो किंग जो है वो ई पे रखते रक, हैं और जो क्वीन है वो डी पे रखते हैं और इनके सभी के सामने जो प्यादे होते हैं या फिर कहते हैं पौन बोलते हैं इनको ठीक है पैदल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको या फिर मोहरे बोलते हैं ठीक है वो हम इस तरह से जमाती जाती हैं ठीक है थीके? अब ये तो हो गया वाइट का सिमिलर जैसा ये जमा है ना सेटअप वैसे के वैसा वहाँ पर आपको करना सबसे पहले आपको रुक उठाना है ब्लैक के दोनों साइड रख देना यहाँ पर होगा एट पर और एच एट पर ठीक है देन उसके बाद आपको नाइट रखना है यहाँ पर इस तरह से एंड देन उसके बाद आपको रखना है विशुप विशुप का यहाँ पर तो विशुप को रखना है यहाँ पर जमा दीजिए दोनों के बाजू में ठीक है देन उसके बाद आपको किंग एंड क्वीन तो पहले आप क्वीन को रखेंगे क्वीन को रखेंगे डी फाइल पर और किंग को रखेंगे ई फाइल पर ठीक है तो जनरली पूछते भी हैं कि कौन सा स्क्वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है तो याद रखना जिस स्क्वेयर पर किंग रखा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि किंग के लिए ये पूरा का पूरा गेम हो रहा होता है तो ई फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ठीक है तो चलिए मैं सारे पीसेस को जमा देता हूँ सामने एंड देन यहां तक आप पूरा का पूरा पीसेस को जमाना सीख चुके हैं और ये मैंने पूरे के पूरे, पूरे पीसेस को जमा दिया अब देन इसके बाद प्ले करना होता है सभी के अपने अपने मूव होते हैं मैं सा, अब मूव्स की वीडियो अगले अगली वीडियो में लाऊंगा मूव किस तरह से हम चलते हैं तो चलिए आज की वीडियो मिलता था मिलता है